गांवा थाना क्षेत्र के खरसान निवासी लीलावती देवी ने शनिवार को गांवा थाना में आवेदन देकर पति पप्पू यादव समेत सास फुलवा देवी, ससुर विजय यादव पर दहेज की मांग व बच्चा नहीं होने के कारण बांझ कहकर मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि लगभग 5 वर्ष पूर्व खेसनरो निवासी पप्पू यादव के साथ इनका विवाह दोनों परिजनों से मेल मिलाप होकर हुआ था। इनके माता पिता के इच्छा शक्ति अनुसार दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद से इनके साथ मारपीट किया जाने लगा। मायके से 1 लाख रुपए लाने को कहा जाने लगा, जिसके बाद माता पिता को मामले की सूचना दी गई। सूचना के बाद दोनों परिवारों व ग्रामीणों के बीच पंचायती भी हुई, जिसमें इनके माता पिता ने इनके इलाज के लिए 50,000 रुपए इनके पति के हाथों में दिया, लेकिन इनका इलाज नहीं कराया गया और बांझ कहकर इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। रविवार को पति समेत ससुराल वालों ने इन्हें कमरे में बंद कर इन पर केरोसिन तेल छिड़क कर जान से मारने का प्रयास किया, जिसके बाद वो हंगामा सुनकर ग्रामीण एकजुट हुए जिससे इनके जान बच सकी। इधर पप्पू यादव ने भी रविवार सुबह गांवा थाना में आवेदन देकर कहा कि इनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत व बेबुनियाद हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हर माह किसी न किसी बात को लेकर घर में पत्नी लीलावती देवी झगड़ा करते रहती है। कुछ माह पूर्व में भी गांवा थाना में समझौता हुआ है, शनिवार शाम को मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण ये घर से भाग गई और गांवा थाना में आवेदन देकर झूठा आरोप लगाई है। इस संबंध में थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि दोनों पति पत्नी के तरफ से आवेदन मिला है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। घर मेरा मायके गद्दर है, ससुराल खेसनारू है। क्या मामला है? ये मारपीट का, दहेज के चलते मारपीट कर। कौन कर रहे हैं मारपीट? पति। और अरे ये किरासन तेल छिड़ा कर मारने जा रहा था, तो हम किसी तरह खिड़की खुला था, हम भागे शाम से। आज का मामला है? हाँ। थाना में आवेदन दे रहे हैं जी, और दहेज को लेकर के मारपीट कर रहा है जी। शादी कितना दिन पूर्व हुआ है? 2016 में, 5 साल हो गया। इसको लेकर के कभी शिकायत वगैरह किए थे घर में अपने परिवार से, पिताजी से? 2-3 बार। हाँ, करते हैं। तो क्या इसमें कुछ मामला हुआ था पंचायती वगैरह? हाँ। पंचायती में क्या हुआ था? यही बोल कुछ मामला हुआ था, बोले थाना। मैं पप्पू कुमार और मेरी पत्नी लीलावती देवी कल थाना परिसर में आकर के जो मामला दर्ज कराई है कि किरोसिन तेल छेड़ करके दहेज प्रथा के मामले में हमको मारने पीटने का धमकी देती है और बांझ कह के छोड़ने का ये धमकी देता है, ये सब गलत है। वहाँ के ग्रामीण जनता सारा मामला को जानते हैं कि ये सब मैटर सब गलत है और हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसका कहीं सेटिंग चल रहा है। वो अपने खुद से हमको कुछ ड्रामा रचती है कि ऐसे करता है वैसे करता है,